स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मैथ क्लास सिक्स टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने स्टूडेंट्स HCF फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, आज हम स्टूडेंट्स करेंगे 4 वाला पार्ट। इसमें 3 वैल्यूज हैं, फर्स्ट वैल्यू 735, सेकेंड है 840 और थर्ड है 1050। अब स्टूडेंट्स इसको लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व करें 3 वैल्यूज को, तो कैसे करेंगे बच्चों? आपने सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू देखनी है, वो कौन सी है? 1050, हम ये डिवीजन का साइन लिखेंगे, ठीक है? और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमारी डिविडेंड होगी, लिख ली हमने। अब बच्चे 2 वैल्यूज लेनी है, अब 2 वैल्यूज में से जो डिवाइजर है वो कौन सी वैल्यू होगी? जो 2 बाकी वैल्यूज रहेंगी उन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू ग्रेटेस्ट उसे लिखेंगे, ग्रेटर अमाउंट, तो वो 840 है, वो बच्चे हमारा क्या होगा? डिवाइजर। दोबारा सुनिएगा, सबसे बड़ी वैल्यू हमारा डिविडेंड होगी और उसके सेकंड पे जो हम कहने 2 बाकी वैल्यू रहेंगी उनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा डिवाइजर होगी। अब स्टूडेंट्स हमने 840 का टेबल रीड करना है, 1050 से नियरेस्ट डिजिट आए या फिर यही आए। अब 840 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 840 को 3 से लगा के देखते हैं, ठीक है? 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, ठीक है? ये 1050 है, तो ये बच्चे क्या आ गया हमारे पास? 2520, 3 जा से बड़ा आ गया, हम 2 जा से करते हैं, ठीक है? 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अभी देखिए 1050 है, 1680 है, ये फिर भी बड़ी है, तो हम बच्चों क्या करेंगे? 1 जा 840, अब 840 कैसे लिखना है? इस साइड से लिखना, राइट साइड से 0 यहाँ पे आएगा, 4 इसके नीचे और 8 ये। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। अब बच्चों इसके आगे हम क्या करते हैं कि ये हमारा डिवाइजर हो जाता है और ये हमारा डिविडेंड, लेकिन आपने बच्चों तब करना है जब हम माइनस करके रिमाइंडर आया हमारे पास, वो रिमाइंडर इससे छोटा हो तो ठीक है, अगर ये बड़ा हो जाता तो हम फिर आगे सॉल्व करते। अब ये छोटा हो गया इससे, इसलिए ये आप हमारा डिविडेंड डिवाइजर होगा और 840 हमारा क्या होगा? डिविडेंड, ठीक है? क्या होगा बच्चों? डिविडेंड। ओके स्टूडेंट्स, इसको रेस कर लें, ठीक है बच्चों? अब हमने 210 का टेबल रीड करना है कि 840 है या फिर इससे छोटा डिजिट है। ये देखिए स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से ला के देखिए, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये देखिए यही वैल्यू आ गई 840। 210 का टेबल कहां लिख रीड करने से 4 जा, ये बच्चों 4 लिखेंगे, 210 4 जा 840। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0। अभी हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं, 3 वैल्यूज में से हमने अभी 2 वैल्यूज को यूज किया, थर्ड वाली वैल्यू को भी हमने अभी यूज करना है, ठीक है? उसे कैसे करेंगे? ये देखिए बच्चों, अब हमने जो थर्ड वाली वैल्यू रहेगी जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब, थर्ड वाली जो वैल्यू रहेगी है उसे देखना है और जिस टेबल की वजह से रिमाइंडर 0 आया उसे। अब ये टेबल है जिसकी वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आया और ये वैल्यू रह गया, अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी बच्चों वो हमारा डिविडेंड होगी, तो कौन सी बड़ी है? 210 या 735? 735, तो ये हमारा क्या होगा? डिविडेंड। और 210 बच्चों हमारा क्या होगा? डिवाइजर, ठीक है? अब बच्चों 210 का हमने टेबल रीड करना है कि 735 से नियरेस्ट वैल्यू आए, ये देखिए हम टेबल रीड करते हैं, 210 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 जा से, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 3 से 4 से करके देखते हैं अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो इसी से लिखेंगे,
तो फोर जब बच्चों देखिए फोर जीरो जा जीरो फोर वन जा फोर फोर टू जा एट तो देखिए 735 है 210 फोर जा करेंगे तो 840 बढ़ी आ जाएगी तो थ्री जा लिखेंगे 210 थ्री जा 630 ठीक है। अब माइनस करेंगे फाइव में से जीरो माइनस करेंगे फाइव थ्री में से थ्री जीरो माइनस करेंगे थ्री में से थ्री माइनस करेंगे जीरो और सेवन में से सिक्स माइनस करेंगे वन। अब ये बच्चों जो हमारा रिमाइंडर आया है वो छोटी वैल्यू है इससे तो फिर हमारा ये डिविडेंड होगा सॉरी डिवाइजर होगा और 210 हमारा क्या होगा डिविडेंड ठीक है। ओके स्टूडेंट्स अब हम जो फर्स्ट हमारा डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड पे लिखेंगे। अब 210 105 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 210 आएगा तो ये देखिए 105 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2 5 जा 10 0 1 कैरी 2 0 जा 0 0 प्लस 1 कैरी 1 2 1 जा 2 बच्चों यही वैल्यू आ गई है तो 105 को किससे मल्टीप्लाई करने से 2 से तो 105 2 जा 210 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब दोनों को हमने साथ किया तो जिसको लास्ट पे हमने डिवाइड किया है वो जो कहने के टेबल की वजह से डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर जीरो आया वो बच्चे हमारा एचसीएफ होगा ठीक है। हमने फाइंड करना है एचसीएफ तो हम लिखेंगे एचसीएफ इज क्या स्टूडेंट्स है 105 ठीक है। एचसीएफ इज 105 जो लास्ट वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं तब बच्चों जिस टेबल की वजह से जिस डिवाइजर की वजह से हमारा रिमाइंडर जीरो आया वो हमारा क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ इज 105 ये बच्चों फोर्थ वाले पार्ट का एचसीएफ है। नेक्स्ट स्टूडेंट सिक्स वाला पार्ट है वैल्यू है 399,665,1463। अब स्टूडेंट्स हमने इसे भी पार्ट नंबर फोर की तरह ही सॉल्व करना है थ्री वैल्यूज हैं इसमें तो सॉल्यूशन में बच्चों फर्स्ट पे हम सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे वो कौन सी है 1463 तो ये हमारा क्या होगा डिविडेंड। अब ये दोनों वैल्यू रखी इन दोनों में से जो बड़ी है वो हमारा डिवाइजर होगा 665 है ये बच्चों हमने लिख दिया ठीक है। अब 665 का टेबल रीड करना है कि 1463 से नियरेस्ट वैल्यू आए तो ये देखिए बच्चों 665 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2 5 जा 10 0 1 कैरी 2 6 जा 12 प्लस 1 13 3 1 कैरी 2 6 जा 12 प्लस 1 13 1330। अब जो 3 जा करके देखते हैं ठीक है अगर वो बड़ी आ जाएगी तो हम 2 जा लिखेंगे 3 5 जा 15 5 1 कैरी 3 6 जा 18 प्लस 1 19 9 1 कैरी 3 6 जा 18 प्लस 1 19 ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये 1900 ये 1300 है जबकि ये 1400 है तो इससे हमने छोटी वैल्यू लिखी है तो वो 2 है बच्चों ठीक है 2 1330। अब माइनस करेंगे 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 ठीक है। अब ये देखें जो हमारा रिमाइंडर आया है वो वैल्यू इससे छोटी है अब ये हमारा डिवाइजर होगा और डिविडेंड ऑफ वैल्यू 665 ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम 665 को लिखेंगे डिविडेंड 665। अब जो 133 को किससे मल्टीप्लाई करें मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 5 3 15 5 1 कैरी 5 3 is a 15 plus 1 16 6 1 carry 5 1 is a 5 plus 1 6 ये देखिए यही मेरा रिजल्ट आ गई किससे 5 से 133 5 से 665 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0 ठीक है। तो ये हमने टू वैल्यूज यूज कर ली है। अब थर्ड वाली वैल्यू लेंगे जिसे हमें सॉल्व करना है तो थर्ड वाली स्टूडेंट्स वैल्यू क्या है 399। अब बच्चों देखें 399 को हमने किससे डिवाइड करना है जिस
डिवाइजर की वजह से, टेबल की वजह से रिमाइंडर जीरो है तो वो 33 है। अब जो इन दोनों को हमने सॉल्व करना है तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारा डिविडेंड होगी। तो जो कौन सी है, 133 या 399, ये हमारा डिविडेंड होगा और 133 हमारा क्या होगा, डिवाइजर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने 133 का टेबल रीड करना है तो हमारे पास 399 है। तो देखिए बच्चों मैं 133 को 3 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, 3 3 9 3 3 9 3 1 3। देखिए यही सेट अमाउंट आ गई 133 3 399, माइनस करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। ठीक है। अब बच्चों जो हमने सेकंड रेंज की है उसमें किस टेबल की बेस पे हमारा रिमाइंडर जीरो आया, 133 की बेस पे, तो हम लिखेंगे HCF is 133। ठीक है, 133 हमारा क्या है, HCF। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पार्ट नंबर 5 खुद करना है, तीनों पार्ट्स का होमवर्क करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।